अच्छा जी, आ जाते हैं हमारे कोकोनट चिकन करी की तरफ। और सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे एक कप कुकिंग ऑयल टू स्टार्ट विथ। ये आ गया इसमें एक खाने का एक कप कुकिंग ऑयल, चॉप किया प्याज दो अदद बड़े साइज के। ये आ गया, स्लाइस भी शामिल कर सकते हैं, छोटी इलायची बड़ी इलायची, देखें इसका हमने खोल के इसका छिलका फेंक ही दें, उसको आपको कोई फ़ायदा नहीं, छिलके का कोई जायका नहीं है जी। इसको थोड़ा सा और फ्राई किया। अच्छा, प्याज की फ्राइंग का ध्यान में रखिएगा, जिन करीज का कलर आपको सफ़ेद चाहिए हो उसमें प्याज को आपने बहुत एहतियात से पकाना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो। इसी स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे ये अदरक लहसुन, ये अदरक आ गया, साथ में इसमें गर्म मसाले इसी स्टेज पर शामिल कर देंगे, काली मिर्च, सब्ज़ी इलायची का दाना, बड़ी इलायची का दाना, लौंगे ज़्यादा नहीं शामिल करनी गर्म मसाले में, 4 से 5 बस, इसका बहुत अच्छा जायका आएगा। सफ़ेद ज़ीरा, बादियान फूल, ये हमारे मसालों में बिल्कुल इस्तेमाल आजकल नहीं हो रहा, ये शामिल करें, दालचीनी के 1-2 पीसेस, तेज़पात के 2-3 पत्ते, हल्दी 1 चाय का चम्मच और 2-2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया। ये जैसे थोड़ा सा फ्राई हो गया, अब इसमें आ जाएगा 3 पाव चिकन, इसको थोड़ा सा फ्राई किया, अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1/2 कप ये हरी मिर्च का पेस्ट, साथ में इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, इसको किया मिक्स, 1/2 लीटर इसमें हमने शामिल करना है। और अब इसमें शामिल कर देंगे ये पूरा 10 कोकोनट मिल्क का, ये बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे जब 5 मिनट कुकिंग इसकी रह गई हो, आखिर में बारीक कटी हुई अदरक शामिल करेंगे और हमारा कोकोनट मिल्क करी, ये चावलों वाली डिश है बिल्कुल, और इसके पतले शोरबे वाली ही होती है। कोकोनट चिकन करी अज्जा, गर्म मसाला होल 3 खाने के चमचे, चिकन बोनलेस स्लाइस 750 ग्राम, कोकोनट मिल्क 1 टिन, तेल 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, दूध 1/2 लीटर, ग्रीन चिली पेस्ट 1/2 कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा।